उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव के बाद यहां से हारे बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुराज शाक्य ने कहा है कि धनबल के बल पर मैनपुरी में चुनाव जीता गया है। रघुराज शाक्य ने यह भी कहा कि मैनपुरी में करीब 200 करोड़ रुपए बांटने का लक्ष्य रखा गया था। हर गांव के प्रधान को 5-5 लाख रुपए दिए गए, जिससे कि वोटर्स को डिंपल के पाले में किया जाए। रघुराज शाक्य ने यह भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी अब तक एसी कमरों में बैठकर राजनीति करती थी, बीजेपी ने उसे सड़क पर उतरकर चुनाव लड़ना सिखा दिया है। बिहार के नालंदा जिले में दर्ज केस के संबंध में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के लखनऊ स्थित आवास पर शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी के दौरान सुब्रत राय तो यहां मौजूद नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने उनके घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस के अधिकारी यहां पर भारी फोर्स के साथ पहुंचे थे और काफी देर तक सहारा स्टेट के बाहर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। हालांकि सुब्रत राय के न मिलने पर पुलिस की टीम यहाँ से वापस चली गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित साकेत डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को कॉलेज का गेट बंद करके यहां काफी देर तक हंगामा किया गया। इससे महाविद्यालय परिसर में अफरा तफरी की स्थितियां बनी रही। महाविद्यालय परिसर में मौजूद छात्र और शिक्षक इस स्थिति के दौरान हलकान नजर आए। हालत ये हुई कि पुलिस बल को यहाँ पहुँच कर स्थितियों को संभालना पड़ा और उसके बाद महाविद्यालय से बच्चों को बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कानपुर जिले में एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उपद्रव करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस बल अब किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वहाँ सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगे और अगले चौराहे तक पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सीएम योगी ने यहां पर कई विकास योजनाओं का तोहफा भी दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में प्रदेश सरकार की ओर से कराए जा रहे काम को लोगों के बीच रखा। सीएम योगी ने यहां पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को सीएम योगी से नहीं मिलने दिया गया। ये विधायक शहर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर यहाँ पर सीएम योगी को मच्छरदानी भेंट करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में लगातार चल रहे जीएसटी टीमों के छापे ने व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश के बुलंदशहर से लेकर गोंडा तक व्यापारियों ने कई स्थानों पर बाजार बंद रखे और जीएसटी टीमों की छापेमारी का विरोध किया। व्यापारियों ने ये आरोप भी लगाए कि जीएसटी की छापेमारी के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये खबरें भी सामने आई कि जीएसटी टीमों की छापेमारी के डर से व्यापारियों ने अपनी दुकान को बंद कर रखा है, ताकि अगर कोई छापा पड़ता है तो व्यापारियों के शटर बंद मिले और कोई कार्रवाई ना हो सके।